इंडिया घर भी ठीक है चलो जी। ऐसा ये जहाँ पे सुंदरबनी के बच्चे जो हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, इनकी ये डिमांड मेरे पास आ गई है, मेमोरेंडम आ गया, ये मैं आगे गवर्नमेंट को भेज देता हूँ। तो जो भी होगा गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी, ये मुझे दिखी है। जैसे ऐसे का बच्चे कर रहे हैं ये भी मैं इनका मेमोरेंडम। सर आखिर क्यों प्रशासन और ये इतने नाकाम साबित हो रहे हैं कि राष्ट्रभक्त जम्मू के युवाओं के साथ न खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? काम कर रही है। हाँ, इनको अगर कहीं लेकिन एक वर्ष बीत चुका है सर, इनको लगा है उसके लिए गवर्नमेंट आगे देख लेगी। ये बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए सरकार है, सरकार लोगों की है, सरकार बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। अगर इनको कहीं लगा है, कहीं प्रॉब्लम है, तो वो भी सोल्यूशन उसका निकाल देंगे। मैं आगे इसको भेजता हूँ गवर्नमेंट, इनके मेमोरेंडम के तहत और जो भी कानून में होगा तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सर आर्मी के अंदर लिमिट एज रहती है 21 ईयर, जब ये उभरे हुए एक साथ से ये सड़कों पे है। जैसे सर यहाँ पे आप जैसे सब इंस्पेक्टर का पीछे एयर रिलैक्सेशन हुआ था, उसका डेट भी करप्शन किया गया था, इसी तर्ज पे क्या पता जैसे भी गवर्नमेंट अपना समझेगी वो ऐसे निर्णय ले लेगी। गवर्नमेंट पीछे भी करती आ रही है, आगे भी करती रहेगी। अगर ऐसा कहीं लैप्स हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं ये आगे भेजता हूँ, जो गवर्नमेंट को चलेगा, जो इनके हित में होगा वही करेगी, मुझे उम्मीद है। एडीसी साहब आप बताएं यहाँ पे जो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एडीसी साहब भी यहाँ पे मेमोरेंडम लेके रिसीव किया है। देखिए मदन जी, तमाम पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने एडीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। ये इसी बिहाव से है कि तमाम जो रिक्रूटेड यूथ हैं सुंदरबनी के एडजाइनिंग एरिया से, ये तकरीबन एक वर्ष से सिलेक्टेड यूथ हैं और एक वर्ष से इनके पेपर नहीं होने जा रहे हैं, और हमारी आपके चैनल के माध्यम से और एडीसी सुंदरबनी के माध्यम से ये एलजी प्रशासन से अपील की जाती है कि इन बच्चों के साथ ना खेला जाए। ये जो है अग्नि है, ये साक्षात अग्नि है, और यूथ को कंट्रोल करना आपके बस में नहीं रहेगा। और ये जो यूथ है, अगर हर प्रोग्राम जो है माननीय एडीसी साहब सरकार के हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हों, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर एनडीए के पेपर हुए, सीआईएसएफ बीएसएफ के पेपर हुए और बाकी जितने भी सिविल एग्जामिनेशन के पेपर हुए, क्यों किसी साजिश के तहत इंडियन आर्मी के यूथ के पेपर नहीं लिए जा रहे? और मेरी सीधे तौर पे एलजी प्रशासन के पीआरआई मेंबर, देखिए आज एग्जाम होने वाला था, ये जो यूथ सड़कों पर उतरा है, इनका एक नारा है, आप करो तो रैली, हम करें तो कोरोना। ये कहीं ना कहीं जो है ये लानत है उस सरकार के लिए जो बड़े बड़े दावे करती है कि ये जो सरकार है ये यूथ की सरकार है। हम वापस यहाँ पे प्रोटेस्ट, लेकिन उनकी सच्चाई यहाँ खुल जाती है जब हजारों की संख्या में यूथ सड़कों पे उतरता है, उनकी जो पोल जो है वहाँ खुल जाती है जब हजारों की संख्या में यूथ जो है वो सड़कों पे उतरता है, उनकी पोल वहाँ खुल जाती है जब जो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का यूथ है वो बड़ा खुशहाल है। लेकिन आप देख रहे हैं तकरीबन एक वर्ष पहले आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली जम्मू कश्मीर के एक ब्रिगेड में हुई थी, संजवा ब्रिगेड में, और एक वर्ष होने जा रहा है, इन यूथ का कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। एग्जाम की डेट बार बार निकलती है पेपरों में और टीवी में, लेकिन एग्जाम होते नहीं। ये कोरोना के बहाने से इन यूथ की जिंदगी से खेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं तमाम पीआरआईज को, सरपंचीज को, पंचीज को और प्रोमिनेंट लोगों को अपील करना चाहता हूं जो सुंदरबनी ब्लॉक के हैं, एडजाइनिंग जो सुंदरबनी का ब्लॉक है, तमाम नौशहरा, सुंदरबनी, सियोट, बैरीपतन, कालाकोट, जितना भी यूथ है और इनके प्रोमिनेंट जो सरपंचीज हैं, वो पंचीज हैं, वो इनका साथ दें ताकि इन बच्चों के साथ जो है ये खिलवाड़ जो सरकार कर रही है
उनको रोका जाए, क्योंकि ये आर्मी की भर्ती है, क्योंकि उनकी एक एज लिमिटेशन होती है 21 वर्ष तक, और मुझे लगता है एक वर्ष हो गया है इनके पेपर हुए। और अगर ऐसे ही लिंगरान पॉलिसी सरकार की चलती रही तो तमाम बच्चे जो है ये अपनी एज को क्रॉस कर जाएंगे और ओवरेज हो जाएंगे। और हमारी अपील है, मैं एज अ बीडीसी चेयरमैन या सरपंच साहबान तमाम इन बच्चों के पेरेंट्स जो है आज सुंदरबनी चौक में इकट्ठे हुए, और हमने एक मेमोरेंडम जो है वो एसडीएम साहब को, एडीसी साहब को और तहसीलदार साहब को देना है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो कहती कुछ है और करती कुछ है, और सरकार की ये एक मंशा जो है ये जहां से झलकती है कि यूथ के साथ कितना खिलवाड़ करती है। आप देखिए, इतनी सर्दी है और कोविड की महामारी है, ये लोग, ये नौजवान साथी कोविड की परवाह ना करते हुए